हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइलेंट मेकर। आज हम बनाएंगे एक यूएसबी लाइटर, जिसको हम अपने मोबाइल के मिनी यूएसबी से चला सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बेसिक कंपोनेंट चाहिए, बस बेसिक, और एक ओटीजी और एक ऐसा रजिस्टर जो आपको किसी भी मोबाइल के चार्जर में मिल जाएगा जो ख़राब पड़ा होगा। इसमें से आपको बेसिकली चाहिए नाइक्रोम वायर, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे मिलेगा। आपको बस इस रजिस्टर को धीरे धीरे खुरेटते रहना है, धीरे धीरे उसकी सेरेमिक हटाना है, धीरे धीरे ऊपर से सेरेमिक जैसे ही हट जाएगा आपको नीचे से एक वायर दिखाई देने का, उसको आपको पुल कर लेना है, उसमें से निकाल लेना है। आप धीरे धीरे खींच खींच के उसको निकालेंगे, बस ये है, आराम से निकालिएगा क्योंकि ये टूट भी सकते हैं। देखिए, आप ऐसे इस धीरे धीरे स्लोली ये आपका पूरा वायर आ जाएगा बाहर। धीरे धीरे मैंने जो निकाल रहा हूँ थोड़ा सा रोल करते हुए, ताकि वायर ना टूटे, क्योंकि वायर टूट जाएगा फिर हमारा कोई वो नहीं रहेगा। अब हमारे पास वायर हो गया है, नाइक्रोम वायर जो हमें ज़रूरी है एक इलेक्ट्रिक लाइटर बनाने के लिए, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइटर में नाइक्रोम वायर ही यूज़ होता है और इस रजिस्टर में नाइक्रोम वायर ही होता है अंदर। ये हमारा मतलब हम घर पे भी आराम से जनरली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसका क्या करना है, नाइक्रोम वायर को स्प्रिंग के शेप में कन्वर्ट कर लेना है। इसको आप कोई भी डायोड ले सकते हैं या कोई भी सुई ले सकते हैं, उसके ऊपर आप इसको स्प्रिंग कर सकते हैं रोल करके, जैसे मैं कर रहा हूँ, पर आराम से करना है क्योंकि नाइक्रोम वायर भी कमज़ोर होता है, वीक होता है थोड़ा सा, तो मे भी ब्रेकआउट हो जाए ना, तो आपको स्प्रिंग बना लेना है। धीरे धीरे आपको रोल आउट करते रहना है, स्लोली। आप देख सकते हैं यहाँ आपका स्प्रिंग बनके तैयार हो गया है। इतने स्प्रिंग की हमें ज़रूरत है, ज़रा से स्प्रिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल का जो यूएसबी जैक होता है जहाँ से हम पावर लेने वाले हैं इस लाइटर के लिए, है ना, क्योंकि जो हमारा मोबाइल का पोर्ट होता है, चार्जिंग पोर्ट, वो रिवर्स करंट भी देता है, जो हमारी यूएसबी चलाने के लिए या यूएसबी फैन चलाने के लिए यूज़ होती हैं, पेन ड्राइव को पावर देने के लिए, तो हम उसी पावर का यूज़ करने वाले हैं। हम अब एक ऐसी ओटीजी ले लेंगे जो मार्केट में आई थिंक 3-4 रुपए की मिल जाती है, उसको हम खोल लेंगे। उसमें से हम खोलने के बाद जो अंदर की सरफेस है वो निकाल लेंगे। अब इसमें हमें यही करना है, इसके दो टर्मिनल, आउटर टर्मिनल जो दिख रहे हैं आपको, आउटर टर्मिनल, उसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आपको बस आउटर वाले टर्मिनल पे, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आउटर वाले टर्मिनल पे आपको कनेक्ट कर देना है, नाइक्रोम वायर सोल्डर कर देना है। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊँगा कि कैसे सोल्डर करना है आपको, ये ऐसे आपको सोल्डर कर देना है, क्योंकि बीच की जो दोनों पॉइंट हैं, टर्मिनल्स हैं, वो आपकी हैं डाटा टर्मिनल्स, उसको हमें छेड़ना नहीं है। हमें बस साइड वाले दो पॉजिटिव नेगेटिव वाले को बस नाइक्रोम वायर सोल्डर कर देना है, जो कि मैंने सोल्डर कर दिया है। वो मैं वीडियो में नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, ये मैंने आपका नाइक्रोम वायर इसमें अटैच कर दिया। अब आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया है, मैंने प्लास्टिक की वो जो बाहर सरफेस निकली हुई थी वो काट दी थी, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने इसको दोबारा इंसर्ट कर दिया वापस। आपको बहुत आराम से इंसर्ट करना है इसको, ताकि नाइक्रोम वायर ना टूटे। इंसर्ट करने के बाद हम अब इसको फुली इंसुलेट करेंगे, हीट इंसुलेशन। इसके लिए मैं सैंड यूज़ करने वाला हूँ, सैंड और फेविक्विक बेसिकली।
मैं जितना गैप बचा है बीच में उसमें सैंड भर दूंगा। अभी आप देखते ही वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे होना है। मैं ये सैंड वाला वो इस वीडियो में बना नहीं पाया, आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ग्लो हो गया नेक्रोम वायर, रेड, एकदम रेड हॉट, एकदम रेड हॉट हो रखा है नेक्रोम वायर। और ये आराम से आपका पेपर लाइक सिगरेट, बट सिगरेट इज डेंजरस फॉर स्मोकिंग, है ना, सिगरेट किल्स, सो ओनली फॉर पेपर एंड ओनली फॉर यूजफुल पर्पसेस। Have a nice day guys, and also subscribe to my channel for such awesome videos. ऐसी लगातार अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं, आपको अपडेट मिलता रहेगा जब भी नई कोई वीडियो आएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।